चावल के टुटके जो तुरंत असर दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल घरेलू टुटके में। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू टुटके को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। भारतीय संस्कृति में चावल को अत्यधिक महत्व दिया गया है। चावल को पूर्णता का प्रतीक तथा देवताओं का प्रिय भोग माना गया है। केवल धर्म कर्म में ही नहीं, चावल का प्रयोग कई प्रकार के तंत्र मंत्रों में भी किया जाता है। दोस्तों, चावल ज्योतिष शास्त्र में गरीबी दूर करने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। अगर इस उपाय को अपनाने से सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं दूर होती हैं तो हमें यह जरूर अपनाना चाहिए। यदि किसी वजह से धन प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है तो इन उपायों से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप भी किसी ग्रह बाधा से पीड़ित हैं और आपके पर्स में अधिक समय तक पैसा नहीं टिकता है तो यह उपाय अवश्य करें। पूजा में चावल का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद चावल चढ़ाए जाते हैं। चावल ना हो तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजन कार्य में चावल का काफी महत्व रहता है। देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। साथ में जब किसी व्यक्ति को तिलक लगाया जाता है तब भी चावल का उपयोग किया जाता है। चावल से करें लक्ष्मी की पूजा। दोस्तों, किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में अथवा पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद लाल रंग का एक रेशमी कपड़ा लेकर उसमें पीले चावल के 11 अखंडित यानी कोई भी दाना टूटा फूटा ना हो दाने रखें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी या केसर का प्रयोग करें। अब इन दोनों को कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के लिए विधि पूर्वक चौकी बनाएं और उस पर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपाकर रख लें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। चावल का उपयोग कर घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप चावल का उपयोग कर अपने घर की दरिद्रता को भी दूर कर सकते हैं। भगवान शिव को सोमवार के दिन चावल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो। पैसे की तंगी है तो आधा किलो चावल लेकर किसी एकांत शिवलिंग के पास बैठें और भगवान शिव पर एक मुट्ठी चावल चढ़ाएं। इसके बाद बचे चावल को किसी जरूरतमंद या गरीब को दान करें। यह उपाय पूर्णिमा के बाद आने वाले सोमवार से करें और लगातार 5 सोमवार तक करें। घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं या आपके ऑफिस में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो सबसे आसान उपाय है कि आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौवे को खिलाएं और जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा। दोस्तों, पितृदोष के चलते हमें कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में पितृदोष को दूर करने के लिए चावल की खीर बनाएं तथा उसको कौवों को खिलाएं। इससे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके रुके हुए काम होने लगेंगे। सोमवार के दिन जौ अर्पित करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तेज बुद्धि पाने के लिए
तेज बुद्धि पाने की कामना है तो सकरी युक्त दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और बाद में आप चावल चढ़ाएं। दोस्तों, यह उपाय करने से धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, आज हमने चावल के कुछ महत्वपूर्ण टोटकों के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।